हेलो एवरीवन, आप सभी का संध्या नेटिंग नॉट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में देखिए, हम यह बहुत ही सुंदर बुनाई का डिज़ाइन सीखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं, एस स्टिच को छोड़कर 4+4+4+4+4+4+4 और आखिर में 2 XS stitch और S स्टिच। ठीक है जी, तो चलिए फर्स्ट रो राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है, आप इसे बुन भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद धागा अपनी तरफ घुमाएंगे। यहाँ पे हमने देखिए 1 फंदा उल्टा बना दिया और 2nd फंदा उल्टा बनाएंगे, 3रा फंदा भी हमने उल्टा बना देना है। ठीक है जी, धागे को बाहर की तरफ घुमाएंगे। नेक्स्ट फंदा ये वाला फंदा है, इसमें देखिए 2nd वाला जो हमने रो बनाया था उसमें हमने इंसर्ट करनी है और इस तरह से फंदा को बुन लेना है। फिर से देखिए, धागे को अपनी तरफ घुमाते हुए 3 फंदे हमने उल्टे बना देने हैं राइट साइड से। धागे को बाहर की तरफ घुमाएंगे। देखिए इस फंदे से नीचे आपको जो होल दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर हमने नीडल इंसर्ट करनी है और एक इस तरह से फंदा बना देना है। ठीक है जी, फिर से हमने धागे को अपनी तरफ घुमाना है, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3। धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए 4th फंदे में हमने फंदे के नीचे से नीडल इंसर्ट करनी है और एक फंदा इस तरह से छोड़ते हुए फंदे को बुन लेंगे। ठीक है जी, फिर से उसी तरह से दोहराते हुए जाएंगे, 3 फंदे हमने उल्टे बना देने हैं। फिर से धागे को बाहर की तरफ घुमाएंगे, फंदे के नीचे से हमने देखिए होल दिख रहा है, वहाँ पे हमने नीडल इंसर्ट करनी है और इस तरह से हमने फंदे को बना देना है। इसी तरह से बुनते हमने पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। फर्स्ट रो है हमारी ये राइट साइड से, फर्स्ट रो राइट साइड से बुनते हुए पूरी कंप्लीट। रो के आखिर में देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बना देने हैं, 1, 2। धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए एस स्टिच को हमने सीधा बना देना है। फर्स्ट रो राइट साइड से बनाकर कंप्लीट कर दी है। सेकेंड रो देखिए उल्टी तरफ से, पहला फंदा हमने स्लिप कर देना है, इसे बुनेंगे नहीं हम। उसके बाद धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ रखेंगे, 1 फंदा हमने उल्टा बना देना है। उल्टी तरफ से है हमारी और डिज़ाइन। फिर से धागे बाहर की तरफ घुमाएंगे, 3 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बना देने हैं। फिर से धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे, 1 फंदा उल्टा, धागे को बाहर की तरफ रखेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। धागे को अपनी तरफ रखेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर से धागा बाहर की तरफ घुमाएंगे, 3 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ रखेंगे, 1 फंदा उल्टा। इसी तरह से बुनते हुए 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। पूरी रो इसी तरह से बनाते हुए हमने कंप्लीट कर देनी है। सेकंड रो, 2 रोज कंप्लीट करने के बाद 3rd रो देखिए राइट साइड से, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न फिर से स्टार्ट होगा। धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे, 3 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना देने हैं, 1, 2, 3। धागे को बाहर तरफ घुमाएंगे, नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है ये, नीचे की तरफ हमने यहाँ पर इंसर्ट करनी है नीडल और इस तरह से हमने 1 फंदा सीधा बना देना है। फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 3 फंदे हमने उल्टे बना देने हैं। धागे को बाहर की तरफ घुमाएंगे, नेक्स्ट फंदे में हमने नीचे की तरफ नीडल इंसर्ट करनी है और इस तरह से बुन लेना है। बहुत इजी डिज़ाइन है। फिर से हमने धागा अपनी तरफ घुमाते हुए 3 फंदे उल्टे बना देने हैं। धागे को बाहर की तरफ घुमाते हुए नीचे की तरफ नीडल इंसर्ट करेंगे, फंदे के नीचे नीडल इंसर्ट करनी है, फिर बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर और बेबी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मफलर, स्कार्फ, सॉक्स, कैप पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे किसी भी कलर की वूल पर डाल दीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि रेड, वाइट, ब्लैक, सभी पर यह डिज़ाइन बहुत ही उभर कर आता है। 2 सिलाई का डिज़ाइन है और जो आप इसमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं, 4 के मल्टीपल में फंदे डालिए। इस तरह से बुनते हुए देखिए हमने पूरी रो कम्प्लीट कर देनी है। बस आपको क्या करना है, 3 फंदे हमने उल्टे बना दिए हैं इस तरह से, 1, 2 और 3, और फिर धागा भाग की तरफ घुमाएंगे, 4th फंदे हमने
फंदे के नीचे नीडल इंसर्ट करनी है और सीधा बना देना फंदे को। उसके बाद आखिर के दो फंदे उल्टे और एच स्टिच को हमने धागा भाग कर घुमाते हुए सीधा बना देना है। तीसरी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है। अब चलिए फोर्थ रो एक बार रिपीट करके बताती हूँ मैं आपको। पहला फंदा हमने स्लिप कर देना है, धागे को भाग कर घुमाएंगे, दो फंदे हमने सीधे बना देने हैं यहाँ पर, 1 2। फिर से धागा अंदर घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को भाग कर घुमाते हुए तीन फंदे अब हमने सीधे बना देने हैं, 1 2 एंड 3। इसी तरह से बुनते हुए फिर से एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ घुमाते हुए फिर से धागा भाग की तरफ घुमाएंगे, तीन फंदे हमने यहाँ पर सीधे बना देने हैं। इसी तरह से बुनते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। चार सिलाइयाँ बनाने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वैसे ही और डिज़ाइन दो सिलाई में बनकर कम्प्लीट हो जाता है। टू रोज़ मैंने आपको रिपीट करके बताई है। और उल्टी तरफ से देखिए हमारा यह डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अपनी रेकमेंड बॉक्स में अवश्य साझा कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।